हेलो लिसनर्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस करेक्टर्स ऑफ कैंटरबरी टेल्स और कौन कौन से करेक्टर्स हैं कैंटरबरी टेल्स के जो कि ट्रेड किया था अपनी इस बुक में, और इन करेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इनके फिजिकल फीचर्स के बारे में, इनके नेचर के बारे में, जिनको चौसर ने अपनी कैंटरबरी टेल में स्पेस दिया है, और इन करेक्टर्स की हेल्प से वो हमें उस सेंचुरी के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते थे। तो जब सबसे फर्स्ट करेक्टर है हमारा वो है द नाइट्स, तो नाइट्स के बारे में हम बात करेंगे। वो बहुत जेंटल है, उसकी जो बात करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, वेल मैनर्ड है, उसने 100 ईयर्स वॉर को लड़ा है, वो कभी भी ही डजंट बोस्ट हिज डीड्स, वो ओल्ड है और लैक ऑफ लाइवलीनेस है क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। ये एक वॉरियर है और उसने अपने टाइम पे एक योद्धा की तरह बहुत सारी जो वॉर्स है उनको लड़ा है, लेकिन अभी ये बूढ़ा हो चुका है। नेक्स्ट करेक्टर की बात करेंगे हम, तो नेक्स्ट करेक्टर है हमारा द स्क्वायर। द स्क्वायर कौन है? द स्क्वायर ये सन है नाइट्स का, ही इज़ द सन ऑफ द नाइट। ये लेडीज़ मैन है, लस्ती है। इसको लेडीज़ मैन क्यों बोला गया है? बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, वुमेंस, लव अफेयर, सो ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको लेडीज़ मैन के नाम से भी बोला है कैंटरबरी टेल्स में। ही सिंग सॉन्ग्स, कंपोजेस मेलोडीज, ये गाने गाना और मेलोडीज कंपोज करना इसको पसंद है। ही राइट्स पोइट्री एंड राइट्स वेल। ये ही इज़ कंट्रास्ट टू नाइट, ये बिल्कुल नाइट्स के कंट्रास्ट में है, उसके अपोजिट में है। ऑल्दो ही इज़ द सन ऑफ द नाइट्स, ये फैशनेबल ड्रेस पहनता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लाइवलीनेस है, और ये बोलता है कि जो इसकी रातें हैं वो स्लीपलेस हैं बिकॉज ही वॉज इन लव विद समवन एल्स। सो जो नेक्स्ट करेक्टर है हमारा नंबर 3 नंबर पे वो है योमैन, और जो योमैन है वो कौन है? सो योमैन इज़ द सर्वेंट ऑफ नाइट एंड स्क्वायर, नाइट एंड स्क्वायर का सर्वेंट है, और इसने कैसा लॉन्ग ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, ये बहुत अच्छा है शॉट में और बो एरो में। हम बात कर रहे हैं योमैन की, तो ये शॉट में और बो एरो में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है वो है हमारा प्राइरिस। प्राइरिस का जो नाम है, द नेम ऑफ द प्राइरिस इज़ मैडम एग्लिनटाइन, और जो मैडम एग्लिनटाइन है यहाँ पे प्राइरिस से ज़्यादा वो एक फीमेल को, एक अच्छी एक फीमेल जिसके जो फीचर्स हैं वो बहुत शार्प हैं, बहुत अच्छे हैं, उसकी बात यहाँ पे डिस्कस की गई है। इनके पास एक गोल्ड ब्रॉच है जिस पे लिखा है लेटिन में लव कॉन्कर्स ऑल। ये वेल ब्रेड हैं, वेल मैनर्ड हैं, डेलिकेट हैं, इनके जो क्लॉथ्स हैं, कीप हर क्लॉथ्स नीट एंड क्लीन एंड शी इज़ हैविंग अ गुड फीचर्स। शी ट्राई टू स्पीक इन फ्रेंच बट शी डोंट नो फ्रेंच मोर, इनको ज़्यादा नहीं आता बट वो फिर भी इस पर कोशिश करती हैं। जो इनकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये तो बात हो गई कि प्राइरिस की, तो प्राइरिस से रिलेटेड चौसर ने प्राइरिस को एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर में डाला है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाया है। इसमें इनकी ब्यूटी पर, ड्रेस पर, जो इनके टेबल मैनर्स हैं, इनका स्टाइल है, स्पीकिंग स्टाइल है, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। चौसर ने सटायर किया है इनकी लैंग्वेज को लेके कि इनको फ्रेंच बोली नहीं आती, ऑल्दो शी इज़ स्पीकिंग इन फ्रेंच। उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर है वो है मोंक, तो मोंक के ऊपर भी ये एक सटायर ही है। मोंक को क्या बोलते हैं? साधु बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका एटीट्यूड है वो बिल्कुल अलग है। वो हंट मैन है, हंट करता है, दिखने में हैंडसम है, वो फैशनेबल क्लॉथ्स भी पहनता है, एक्सपेंसिव ड्रेस पहनता है और रूल्स को ब्रॉक करता है, रूल्स को तोड़ता है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए बट ये सारी चीज़ें करता है। जो चौसर्स का मॉन्क है, आइडेंटिफाई विद द न्यू वर्ल्ड ऑफ वेल्थ लग्जरी एंड प्लेजर, ये जो मॉन्क है ये उस टाइम को प्रेजेंट करता है जब
जो मॉन्क का काम होता है उसको छोड़कर यह अपनी वेल्थ में, लग्जरी में और प्लेजर में बिजी होता है। नेक्स्ट जो इसका करेक्टर है वो है फ्रायर। तो फ्रायर के बारे में हम बात करते हैं, तो द नेम ऑफ द फ्रायर इज़ ह्यूबर्ट। उसका नाम ह्यूबर्ट है। गोट लाइसेंस टू बैग प्लेइंग विद पिटी ऑफ पीपल, ये लोगों के साथ खेलता है और इसको भी जो करना चाहिए, जो इसका वर्क होता है, ये उससे दूर रहता है। और इसका जो मेन फोकस है वो रिच पीपल पे होता है, ताकि वो उनसे जो मनी है वो ले सके। उसका कहना है कि कन्फेशन के बदले में, गॉड से कन्फेशन के बदले में वो लोगों से मनी लेता है, पैसे लेता है और करप्शन में इन्वॉल्व है। जो चौसर का फ्रायर्स है, चौसर्स फ्रायर ह्यूबर्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ करप्शन ऑफ द मेडिएंट ऑर्डर्स मच अटैक्ड बाय द फॉलोवर्स ऑफ दिस टाइम। ये अटैक करते हैं इस करेक्टर के थ्रू कि जो लोग हैं वो कैसे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर आता है आपका, वो है मर्चेंट। अब मर्चेंट की भी बात ये है कि जो मर्चेंट है ही रिप्रेजेंट अ वेरी रिच एंड पावरफुल। वो अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि वो बहुत रिच है और पावरफुल है, बट एक्चुअली इन डेप्थ, लेकिन वो उधार पे चल रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और वो इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। ही वॉज सीक्रेटली इन्वॉल्व इन टू मेजर इकोनॉमिक्स क्राइम, इलीगल डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंजेस, इन सब में भी वो इंक्लूड है। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है क्लर्क का। चौसर का जो क्लर्क है वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जो कि अपना करियर बनाना चाहता है चर्च में। वो एंटी सोशल है, उसको ज़्यादा सोशल बिहेवियर पसंद नहीं है। वो पुअर है बट वांट्स टू स्टडी, वो पढ़ना चाहता है। उसके जो कपड़े हैं वो थ्रेड बेयर हैं, मतलब फटे हुए हैं। ही बाय बुक्स नॉट टू क्लॉथ्स। सो एज आई डिस्कस अर्लियर कि वो स्टडी लवर है, तो कहीं ना कहीं वो अपने कपड़ों पर पैसा लगाने से बेहतर समझता है कि वो नॉलेज को गेन करे। उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर आता है वो है सर्जेंट ऑफ लॉ। ये एक सक्सेसफुल लॉयर है एंड ही प्रिटेंड्स टू बी बिजी एंड सक्सेसफुल। सो ये बात होती है सर्जेंट की। नेक्स्ट करेक्टर है आपका डॉक्टर, और बहुत सरप्राइजिंग है इसका करेक्टर। ही इज़ अ लवर ऑफ गोल्ड, इसे सोने से बहुत प्यार है। ही सेव्स इनकम एंड मेड फ्रॉम, ये उससे इनकम को सेव करता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। और इसमें सरप्राइजिंग ये भी है कि ही डिपेंड्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजर्स टॉक। सो बीइंग अ डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर्स पे फेथ करना और गोल्ड का लवर होना भी एक सरप्राइजिंग ही है। तो ये इसका करेक्टर है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है आपका शॉर्ट टॉट में भी, और वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, जो है वाइफ ऑफ बाद का। वाइफ ऑफ बाद का नेम होता है एलिसन। शी मैरिड 5 times, वो 5 बार शादी करती है। उसके जो टूथ हैं वो वाइड हैं। वो सेक्सुअली, उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो डीप है। शी इज़ डीप इन 1 ear, एक कान से उसे बिल्कुल सुनाई नहीं देता। दिखने में वो वेन वॉसी है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी स्कर्ट प्रोटेक्टिव है, उसके पास एक ब्रॉड हैट है जो उसने सिर पे पहनी हुई है। उसके शूज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और परफेक्ट फेमिनिन फीचर्स हैं। उसकी बात बात करते हैं वाइफ ऑफ बात के बाद, बात होती है मिलर की। तो चौसर्स प्ले मोर अटेंशन टू द फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ मिलर। ही इज़ बिग, स्टाउट, ब्राउनी, ब्रिट और स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट करेक्टर इज़ पार्टनर। पार्टनर इज़ हैज़ अ गोट वॉइस। सो आपको याद रखना है कि जो पार्टनर है उसकी गोट वॉइस है। पार्सन इज़ अ गुड प्रीस्ट, हम्बल है, वर्च्यूज़ हैं। ही इज़ हम्बल, वर्च्यूज़ एंड कंट्रोल मोरल लाइव्स, और वो बहुत हेल्पफुल है, दूसरों की हेल्प करता है और एक करेक्ट फिगर है उसका। नेक्स्ट इज़ प्लोमैन। प्लोमैन इज़ अनदर आइडियलिस्टिक फिगर।
अ फाइटिंग ब्रदर टू द पार्सन, ये पार्सन का ही भाई है प्लोमैन, और अपने भाई की तरह इसकी भी एक आइडियल फिगर है। ये नाइदर हॉस्पिटल नॉर फियरफुल, डिग्निटी ऑफ लेबर इसमें काम करने की बहुत वो है, काबिलियत है। ड्रेस्ड विद अनफैशनेबल टबर्ड, सो इसको फैशन से कोई मतलब नहीं है। एज वी डिस्कस दैट ही इज़ द आइडियलिस्टिक मैन, तो ये अपनी इनर ब्यूटीज पे फोकस करता है। परफेक्ट चैरिटी, ये लोगों की हेल्प करता है। लविंग है, गुड मैनर्ड है। विलिंग टू लेबर एंड डू वर्क फ्रॉम समथिंग फॉर पुअर पीपल, तो ये उनके लिए भी काम करना चाहता है। इस तरह से इसके करेक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। और हम बात करते हैं चौसर के। चौसर का ये वर्क काफ़ी फेमस हुआ था, कैंटरबरी टेल, जिसके लिए चौसर को बोला गया था। चौसर फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड कन्वर्ट इट एज अ लैंग्वेज, ये बोला था लवर्स ने चौसर के लिए। चौसर को बोला गया है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, ये भी चौसर को बोला गया है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये भी चौसर को बोला गया है, जो डन ने बोला था। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो या तो इसकी टेल से रिलेटेड आ जाता है, जो हम साइड बाय साइड कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर चौसर के करेक्टर्स पे क्वेश्चन आ जाता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। बी विद अस। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।